हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो चलिए वीडियो शु, वीडियो शुरू करते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें सब्सक्राइब करें शेयर भी करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चलिए तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्ट पहला क्वेश्चन आपके सामने आज जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में ही है और जो हिंदी में पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं क्वेश्चन बोल दूंगा तो पहला क्वेश्चन है फरवरी 2020 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने ठीक है क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं तो पहला ऑप्शन है जयरत्न दूसरा है कुमार तुंगा तीसरा ऑप्शन है मैत्री बाला सीसेना चौथा ऑप्शन है गोटाबाया राजपक्षे ठीक है तो आपको ये बताना है फरवरी में कौन बने हैं यहाँ के राष्ट्रपति आंसर करिए जल्दी से चलिए तो आंसर देख लेते हैं इसका आंसर इसका फोर्थ डी गोटाबाया राजपक्षे जो इससे पहले वाले हैं जो थर्ड ऑप्शन है उसमें है मैत्रीपाला श्रीसेना ये भी राष्ट्रपति हैं लेकिन ये इससे पहले थे और जो सेकंड ऑप्शन है चंद्रिका कुमार तुंगा वो फिफ्थ प्रेसिडेंट थे मतलब वो भी राष्ट्रपति थे श्रीलंका के ये लेडीज हैं पहला जो है पहला ऑप्शन जो है डी एम ये प्रधानमंत्री थे पूर्व प्रधानमंत्री थे श्रीलंका के ठीक चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं एज ऑन जनवरी 2020 2020 में श्री भूपेश बघेल इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट किस राज्य के मुख्यमंत्री थे जल्दी आंसर करेंगे बहुत इजी क्वेश्चन है चलिए आंसर कर दिया होगा आपने देख लेते हैं आंसर आंसर आपका थर्ड छत्तीसगढ़ बाकी जो तीन स्टेट और दिए ऑप्शन में उनके नाम वहां के जो सीएम है उनके नाम भी मैंने लिख दिए तो फर्स्ट में जो है नवीन पटनायक और इनकी पार्टी है बीजू जनता दल सेकंड ऑप्शन है हरियाणा मनोहर लाल खट्टर थर्ड आपके वही है और चौथा ऑप्शन है हेमंत सोरेन ये झारखंड के हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते नेम द फिजिसिस्ट हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्हें 1932 में नोबल प्राइज़ मिला था मैं क्वेश्चन फिर से बोल लेता हूँ न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्हें 1932 में नोबल प्राइज़ मिला था पहला ऑप्शन है मैक्स प्लैंक दूसरा है जेम्स चेडविक तीसरा है एनरिको फर्मी और चौथा है फ्लेमिंग आंसर करेंगे चलिए आंसर देख लेंगे तो आंसर है सेकंड जेम्स जेम्स चैडविक बाकी ऑप्शन पे भी नजर डाल लेते हैं पहला है मैक्स मैक्स तो ने क्वांटम थ्योरी दी थी जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा था कि सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है हमारे पास ये उसका सतत प्रवाह नहीं होता मतलब कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आती ये एनर्जी के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आती है या एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट के रूप में आती है और उस पैकेट को हम क्या कहते हैं क्वांटम कहते हैं ठीक है और इस थ्योरी को क्वांटम थ्योरी कहते हैं और इसी के लिए इनको 1918 में नोबल प्राइज दिया गया था फिजिक्स का थर्ड ऑप्शन है आपका एनरिको फर्मी ये इटली के थे और ये परमाणु भट्टी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक थे ठीक है चौथा ऑप्शन है जे एस फ्लेमिंग तो इनका पूरा नाम है जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से आप कन्फ्यूज ना हो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन के आविष्कार थे जेस फ्लेमिंग के भी बहुत सारे नियम हैं फिजिक्स में चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन है द्रोणावली हरिका किस खेल से संबंधित है क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ द्रोणावली हरिका किस खेल से संबंधित है इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है जल्दी बताएंगे आंसर चलिए कर लिया होगा आपने इसका आंसर है सेकंड चेस तो द्रोणावली हरिका आंध्र प्रदेश की रहने वाली है गुंटूर जिले की काफी अवार्ड जीते हैं इन्होंने पद्मश्री भी मिला है इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द फर्स्ट एंड करंटली द ओनली बैट्समैन टू स्कोर डबल हंड्रेड इन फोर कॉन्जिक टेस्ट सीरीज लगातार चार सीरीज में डबल हंड्रेड बनाने वाले खिलाड़ी कौन है क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर देता हूँ लगातार चार टेस्ट सीरीज में डबल हंड्रेड बनाने वाले खिलाड़ी कौन है डबल हेंडेड मतलब दोहरा शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन है ऑप्शन आपके सामने ब्रायन लारा विराट कोहली एवी डिविलियर्स रोहित शर्मा आंसर करेंगे तो चलिए आंसर देख लेते हैं आंसर आपका है विराट कोहली ठीक है तो इन्होंने लगातार चार चार देशों के खिलाफ चार सीरीज में दोहरा शतक बनाया है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कोला थंडू, वलुआ नादू, और थेकु, थेकुम थेकुमकोर ये पुराने राजाओं के किंगडम है साम्राज्य हैं ठीक है थीके? तो ये भारत के किस राज्य में वैसे तो नाम को पढ़ के आपको आइडिया लगना चाहिए कि ये किस राज्य में हो सकते हैं बिहार तो मुश्किल ही है गुजरात मुश्किल है दो ऑप्शन बचे हैं आपके पास केरला और कर्नाटका फिफ्टी फिफ्टी ऑप्शन हो गया यहां तो, तो कई मार लो चलिए अब तक अटेम्प्ट कर लिया होगा आपने आंसर देखते हैं आंसर इसका बी केरला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर थॉमस रो मुगल किस मुगल शासक के दरबार में आया था क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ सर थॉमस रो कहीं कहीं पे थॉमस रो भी लिखा होता है तो इंग्लैंड में जब राजा जो थे वो जेम्स फर्स्ट थे उनके समय की बात है तो ये मुगल किस मुग़ल शासक के दरबार में आया था जल्दी अटेम्प्ट करेंगे शाहजहाँ अकबर जहांगीर औरंगजेब आंसर करें सब सब अटैम्प्ट करें चलिए अटैम्प्ट कर लिया होगा आपने आंसर देखते हैं आंसर इसका जहांगीर तो ये जो था टॉमस रोजो था ये इंग्लैंड का ऑफिशियल एम्बेसडर था ऑफिशियल एम्बेसडर हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसे राजा ने ही भेजा था और उस टाइम पर राजा कौन था जेम्स फर्स्ट जेम्स प्रथम ठीक है तो जहांगीर के टाइम पे भेजा था 1615 में जहांगीर के टाइम पर एक और अम्बेसडर आया था हॉकिंस विलियम हॉकिंस ठीक है वो 1609 में आया था बट वो इंग्लैंड की जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था वो राजा की तरफ से नहीं था इसलिए हॉकिंस को हम ऑफिशियल नहीं मानते हैं ऑफिशियल हम किसको मानते हैं टॉमस रो को ठीक है इसको आप ध्यान रखें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट क्वेश्चन है नेम द मीडिया कंपनी दैट परचेज द लेजेंडरी स्टूडियो ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी फॉक्स हमें उस स्टूडियो का नाम बताना है जिसने ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी फॉक्स को खरीदा है ऑप्शन है डिजनी टाइम वार्नर सोनी वाया कॉम जल्दी अटम्प करेंगे तो, तो कई लगा लो चलिए आंसर देखेंगे ज़्यादा अटम्प्ट नहीं कर रहे हैं। तो आंसर है आपका डिजनी तो डिजनी जो है आ, अमेरिका की अमेरिका की कंपनी है ये स्टार्टिंग में कार्टून वगैरह बनाती थी बचपन में बचपन में आपने बहुत कार्टून देखे होंगे टॉम एंड जेरी वगैरह के ठीक है तो वो मोस्टली जो है यही कंपनी बनाती थी और ये दो भाइयों ने मिलकर शुरू करी थी स्टार्टिंग में नाम कुछ और था बाद में नाम इसका वॉल्ट डिजनी कर दिया गया ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं वट इज़ अ मोर कॉमन नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कार्बन कार्बन डाईऑक्साइड का जो ठोस रूप है उसे क्या हाँ कहते हैं ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है बट ज़्यादा से ज़्यादा अगर उस पर प्रेशर किया जाए तो वो ठोस के रूप में बदल जाती है तो ऑप्शन में बताना है क्या है ड्राई आइस मतलब ठोस बर्फ क्विक सिल्वर एप्सम और चौथा ऑप्शन है पोटास जल्दी एडवेंट करेंगे बहुत इजी क्वेश्चन है चलिए आंसर देखते हैं आंसर है इसका फर्स्ट ड्राई आइस ठीक है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है सॉलिड फॉर्म है जिसे ठोस बर्फ़ भी कहते हैं या सूखी बर्फ़ भी कहते हैं दूसरा ऑप्शन था आपके पास क्विक सिल्वर तो क्विक सिल्वर को हम मरकरी कहते हैं जो इसका केमिकल नेम है और थर्ड ऑप्शन है आपका एप्सम तो एप्सम का जो केमिकल है वो है मैग्नीशियम सल्फेट केमिकल फॉर्मूला है इसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं पार्ट ऑफ द ह्यूमन इन ईयर इनमें से कौन सी हड्डी है जो मानव के कान का हिस्सा नहीं है क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ इनमें से कौन सी हड्डी है जो मानव के कान का हिस्सा नहीं है या मानव के कान में नहीं पाई जाती ठीक है तो पहला ऑप्शन है मेलस फिर इनकस, फीमर, स्टेप्स। तो अटेम्प्ट कर लिया होगा आपने चलिए आंसर देखते हैं तो आंसर इसका थर्ड फीमर फीमर जो है आपको पता ही है वो मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी होती है जो जांग में पाई जाती है ठीक है और ये डायग्राम मैंने यहाँ पर रखा है इसको आप अच्छे से देख सकते हैं कान का जो डायग्राम है इसमें मेलस भी मिलेगा आपको यहाँ पर ये ये मेलस है ठीक है ये इनकस है आपका और ये नीचे की तरफ ये इधर ये ये है स्टेप्स ठीक है तो तीनों हड्डियाँ ये मिलती है फीमर जो फीमर होती है वो जांग में मिलती है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ नॉट रिटन बाय सलमान रुजदी इनमें से वो कौन सी किताबें जो सलमान रुजी द्वारा नहीं लिखी गई है सलमान रुजी भारत के राइटर हैं मोस्टली बाहर ही रहता है एन एरा यू के में रहते हैं इंग्लैंड में ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन है मिड नाइट चिल्ड्रन सेकेंड ऑप्शन है एन एन एरिया ऑफ डार्कनेस ये uh, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है एन एरा होना था ये ठीक है एरिया की जगह यहाँ पे एरिया की जगह क्या होना e खैर चलो कोई बात नहीं थर्ड uh, ऑप्शन क्या है The versus, और चौथा है है करेंगे जल्दी वैसे question है अगर कंपटीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो तो चलिए आंसर देखते हैं आंसर है आपका सेकंड एन एरा ऑफ डार्कनेस तो बुक का नाम एक्चुअल में ये है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया ये भारत के जो शशि थरूर हैं उनके द्वारा लिखी गई है शशि थरूर को आप जानती होंगे कठिन कठिन इंग्लिश बोलते हैं पता ही होगा आपको नहीं पता होगा तो एक बार देख लेना बाकी मिड नाइट चिल्ड्रन ये भी सलमान रुस्दी की है दटनिक वर्सेस ये एक uh, मुस्लिम धर्म पर किताब लिखी गई थी जिसपे बहुत विवाद हुआ था जिसके बाद ये इंडिया से भाग के यूके चले गए थे ठीक है और चौथी किताबें इनकी सेम तो आंसर यहाँ पे जो होगा आपका सेकंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम डब्लू एफ पी इज द फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशन जो डब्ल्यू डब्ल्यू एफ पी ए यूनाइटेड नेशन की ब्रांच है मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की एक ब्रांच है शाखा है ठीक है इज इट क्वार्टर इसका जो है मुख्यालय कहां पर है ये बताना है आपको वैसे फूड से रिलेटेड जो और भी हैं उनका मुख्यालय पता ही होगा आपको इससे थोड़ा उससे थोड़ा आप आइडिया लगा सकते हो कि इसका मुख्यालय कहाँ होना चाहिए जल्दी अटेप करें चलिए आंसर देखते हैं आंसर इसका रोम तो वर्ल्ड फूडोग्राम विश्व खाद्य कार्यक्रम तो इसकी जो शाखा है वो है आपकी रोम में ठीक है और रोम का है आपका इटली में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते वट इज अफॉर्म जी एस टी रेट दैट हैज बीन फिक्स फॉर लॉटरी प्राइस बाय द जी एस टी काउंसिल तो जी एस टी की जो परिषद है उसके द्वारा लॉटरी पर कितना जी एस टी लगाया गया यह आपको बताना है जी एस टी परिषद ने लॉटरी टिकट पर कितना जीएसटी लगाया है ठीक है टिकट पे और प्राइस पे दोनों पे है ये जल्दी करेंगे आंसर तो आंसर इसका सेकंड ट्वेंटी एट परसेंट ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फोर्टीन क्वेश्चन फ्रॉम इंडिया हु इनगरेटेड इनोगेटेड द करतारपुर कॉरिडोर करतारपुर कॉरिडोर का जो उद्घाटन है वो किसने किया बस ये आपको बताना है फिर से बोल देता हूँ करतारपुर जो कॉरिडोर है उसका उद्घाटन उस किसने किया ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है सभी को आता होगा तुक्का तुक्का भी मारेंगे तो सही मारेंगे इसमें ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी करतारपुर कॉरिडोर एक वीजा मुक्त ब्रॉडर क्रॉसिंग और सुरक्षित कॉरिडोर है जो पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब को भारत की सीमा से जोड़ता है ठीक है तो धार्मिक धार्मिक स्थल है वहाँ पर दरबार साहिब उसी से ही रिलेटेड है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्टीन वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए थोड़ा आंसर जल्दी जल्दी करेंगे और अगर आप आंसर फुल आंसर नहीं लिखना चाहते तो ऑप्शन नंबर लिख दे बस वन टू या थ्री या फोर ठीक है तो चलिए आप थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा स्पीड बना के रखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है सांची के स्तूप की खोज कब की गई जल्दी बताएंगे सांची के स्तूप की खोज की कब की गई जल्दी आंसर करें चलिए आंसर देख लिया होगा आपने तो आ, आंसर इसका 1818, ठीक है और सांची के स्तूप मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और ये अशोक के द्वारा बनाए गए थे और ये ध्यान रखना कि बुद्ध धर्म से संबंधित है और इसकी जो खोज की थी वो जेम्स टेलर ने की थी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कुछ इस तरह के जो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह के वहाँ पे मॉन्यूमेंट पाए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डॉग से संबंधित स्टडी को क्या कहते हैं जो घरेलू कुत्ते होते हैं डॉग्स होते हैं उससे संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है जल्दी बताएंगे ऑप्शन वन टू थ्री फोर चलिए आंसर देख लेते हैं आंसर है इसका काइनोलॉजी इसको साइनोलॉजी भी पढ़ा जाता है वो आप अलग अलग अपने हिसाब से देख सकते हैं ठीक है पढ़ना आता हो या ना हो तो जरूरी नहीं है एग्जाम में टिक करके आगे बढ़ेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द अराकू वैली जो अराकू घाटी है दक्षिण भारतीय किस शहर में पाई जाती है फिर से बता देता हूँ अराकू घाटी भारतीय किस शहर में पाई जाती है जल्दी जल्दी आंसर करेंगे ऑप्शन लिख सकते हैं वन टू थ्री फोर जल्दी तो कल लगा लो चलिए आंसर देखते हैं विशाखापटनम तो विशाखापटनम आंध्र प्रदेश में और उधर का जो कोस्टल एरिया है जो तटीय क्षेत्र है के किनारे वाला उसे हम कहते हैं उत्तरी सरकार तट या मालाबार तट भी मालाबार तट भी कहते हैं गोदावरी नदी के किनारे मालाबार नहीं मालाबार जो है जो केरल वाला एरिया है उस तरफ को शायद कहते हैं मालाबार ये आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है इसे हम कहते हैं उत्तरी सरकार तट ठीक है थोड़ा मेरे को ध्यान नहीं रहा माफ़ी चाहूँगा चलिए तो विशाखापत्तनम एक नेचुरल नेचुरल सी पोर्ट है ये भी आप ध्यान रखेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मकबूल फिदा हुसैन भारत के मशहूर चित्रकार हैं वैसे ये अब इंडिया में नहीं रहते यहाँ से भाग गए हैं भाग गए इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने भारतीय देवी देवताओं के कुछ आपत्तिजनक चित्र बनाए थे जिसके कारण जनता ने विरोध किया और फिर वो यहाँ से चले गए तो इन्होंने अपने चित्रों में कौन से कौन से जानवर का कौन से पशु का सबसे ज्यादा प्रयोग किया है फ्रीडम दिखाने के लिए फ्रीडम को शो करने के लिए कौन से जानवर का सबसे ज्यादा प्रयोग किया है तो जल्दी आंसर करेंगे चलिए आंसर देख लेते हैं आंसर इसका हॉर्स मतलब घोड़ा तो घोड़े के ऊपर इन्होंने बहुत से चित्र बनाए हैं फ्रीडम को दिखाने के लिए ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्पी किस राज्य में है हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी तो आपसे सवाल है हम्पी किस राज्य में बहुत ही आसान क्वेश्चन है सबको मालूम होगा आंसर करेंगे सब आप आंसर में देते समय सीधा वन टू थ्री फू वन टू थ्री फोर डायरेक्ट ऑप्शन लिख सकते हैं चलिए आंसर देख लेते हैं तो आंसर है आपका कर्नाटका तो ये कर्नाटका राज्य में है ठीक है और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है ये जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है कुछ इस तरह के मॉन्यूमेंट वहां पे मिलते हैं बहुत ही बहुत ही बहुत ही शानदार मॉन्यूमेंट है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिशन मंगल में मैं हिंदी में बताता हूँ इंग्लिश वाले पढ़ सकते हैं मिशन मंगल में किस अभिनेत्री ने मुख्य भूमिका निभाई है मिशन मंगल में किस अभिनेत्री ने मुख्य भूमिका निभाई है चलिए ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका विद्या बालन ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसका आंसर सब करेंगे अच्छा क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन ऐसा है मतलब इनमें से कौन सी ऐसी संस्था है जो रेपो रेट ध्यान रखें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को निर्धारित करती है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को निर्धारित करती है ठीक है ये एक तरीके से टैक्स रेट होते हैं आसान है क्वेश्चन तो आंसर होगा क्या है इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो ध्यान रखें कि यह भारत का सेंट्रल बैंक है 1935 1935 में इसको बनाया गया था आ, 1934 एक्ट के तहत ध्यान रखना एक्ट पूछा जाए तो 1934 कब बना था 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन किया गया था 1949 में ठीक है चलिए एक सेपरेट वीडियो मैं इस पर बनाने वाला हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे आप इसको जरूर देखें चलिए मतलब है, है? तो स्ट्रक्चर नेम तो आ, में पाए जाने वाले में पाए जाने वाले उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं जो उनका फूड पचाने में सहायता करता है ग्राइंडिंग दियर फूड मतलब एक तरीके से उसको पीस देता है क्योंकि केचुए क्या करते हैं मिट्टी खाते हैं ठीक है उसमें पत्थर होते हैं छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स होते हैं तो उसको वो कैसे पचाएगा ठीक है तो कौन सा कौन सा जो जो भाग है उनके शरीर का वो हेल्प करता है ठीक है ऑप्शन क्या है क्रॉप तो मैं हिंदी में बता हूँ क्रॉप मतलब तो क्या होता है फसल होता है इसका मतलब ठीक है क्रॉप मतलब फसल और क्रॉप मतलब काटना भी होता है ये भी ध्यान रखना दूसरा ऑप्शन है गिजर्ड गिजर्ड का मतलब होता है कंठ गला तीसरा ऑप्शन है एसोफेगस एसोफेगस का मतलब होता है जो हमारी जो थ्रॉट होती है थ्रॉट मतलब आप ये समझ लो कि ये मुंह से नीचे वाला भाग मतलब गर्दन से गर्दन से इंटेस्टाइन मतलब आँत तक वहाँ तक की जो नली होती है उसे एसोफोगस कहते हैं ठीक है ठीके? और चौथा ऑप्शन है आपका इंटेस्टाइन मतलब आँत जैसे हमारे शरीर में दो आंत होती है छोटी आंत बड़ी आंत तो उसे ही मतलब ये आत हो गई ठीक है इंटेस्टाइन मतलब आत तो इनमें से कौन सा आंसर ये बताना है आपको चलिए आंसर देख लेते हैं तो आंसर है इसका गिजाड़ देखो पहला ऑप्शन क्रॉप था इसका मतलब क्या था फसल या फिर काटना भी होता है तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया ठीक है इंटेस्टाइन इसका आंसर नहीं था एसोफेगस एसो एसोफेगस भी नहीं था तो आंसर क्या है इसका गिजाट तो केंच के गले में ही कुछ ग्रंथियां होती हैं जो जहाँ पे वो पत्थर को मिट्टी को एक तरीके से पीस देता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं सिंपल हिंदी में पूछ लेता हूँ यहाँ पे बुक का नाम लिखा है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया अब बुक तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही है तो इसके इसके लेखक कौन है आपको ये बताना है वैसे इसका आंसर मैं पहले ही बता चुका हूँ जब जब सलमान रूजी वाला क्वेश्चन आया था ठीक है तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया चलिए देख लेते हैं इसको तो आंसर क्या हो जाएगा आपका शशि जरूर ठीक इंडियन पॉलिटिशियन है नेक्स्ट क्वेश्चन वेटरन फ्रीडम फाइटर जो सम्माननीय जो फ्रीडम फाइटर है स्वतंत्रता सेनानी नाम है नाम क्या है सावित्री सावित्री बाले, ये किस राज्य से संबंधित है ध्यान रखना सावित्री बाई फूले किस राज्य से संबंधित है उड़ीसा राजस्थान महाराष्ट्र गुजरात जल्दी आंसर करेंगे जल्दी 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 चलिए आंसर देख लेते हैं तो आंसर इसका थर्ड महाराष्ट्र हो सकता है ज्योतिबा फूले से कुछ उनकी बहन हो रिश्तेदार हो ठीक है देख के बताएंगे मेरे को गूगल में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुल्तान कबूज़ बिन सईद सुल्तान कबूज़ बिन सईद जो अरब वर्ल्ड पे शासन करने वाले सबसे लंबे समय तक के अभी तक के राजा रहे हैं ठीक है इनकी अभी फिलहाल में मृत्यु हो चुकी है तो ये किस देश से संबंधित हैं जल्दी बताएंगे सुल्तान कबूज़ बिन सईद धाबी कुवैत दुबई ओमान इसी क्वेश्चन है चलिए देख लेते हैं आंसर तो आंसर है इसका ओमान तो ये ओमान देश से संबंधित है ठीक तो दोस्तों आज की वीडियो में आज हमने 25 क्वेश्चन किए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक दो वैसे ज़्यादा ही इजी थे वो तो खैर सभी को आते होंगे आपको ये वीडियो कैसी लग रही है मेरे को जरूर बताएं और कैसे बताएंगे अपने लाइक या डिसलाइक से तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें और अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक भी करें ताकि हमें हमें अपनी कमियों का पता लग सके और हम और अच्छी वीडियो बना सकें ताकि आज के टाइम में जो ये कोरोना का टाइम चल रहा है आप अपनी पढ़ाई भी जारी रखें और हम आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट दे पाएँ यही हमारी कोशिश रहेगी तो आज की वीडियो के लिए आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे आज के लिए धन्यवाद